गुड मॉर्निंग पीपल, गाइस हम सुबह सुबह उठ गए हैं जल्दी आज काफ़ी, और ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया हम लोगों ने। और आज हम जहाँ मेरे को जहाँ जाना था, हम जितनी बार गोवा है हमने वो जगह मिस की, बट इस बार हम मिस नहीं करने वाले। वो दूध सागर है, वाटरफॉल्स है, सबसे टॉलेस्ट ऐसा कुछ तो वाटरफॉल है। तो अब यहाँ से हम जाएंगे कुलम, कुलम से हमको जाना पड़ेगा दूध सागर। अब देखते हैं बाई कैब जाते हैं या फेरी या खुद का कार कोवलम तक ही जाता है, उससे आगे 4x4 लेने पड़ते हैं। 4x4 व्हीकल्स ही जा सकते हैं, ऐसा रोड होगा या पता नहीं, ऐसा ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम होगा तो उसकी वजह से 4x4 व्हीकल्स ही जाती है, सारी जीप ही जाती है मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी हम जा रहे हैं, एज यूजुअल एटम और एंटी अभी तक रूम में ही हैं और हम लोग आ चुके हैं बाहर। अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, गाड़ी निकालेंगे, मैं और अधीरा रेडी है क्योंकि आज वैसे भी वहाँ चलने का बहुत होगा, ट्रैकिंग वगैरह भी है। तो अब जाते कार में और फटाफट पहुँचते कुलम, क्योंकि वहाँ लेट हुआ तो शायद तक हम मिस कर सकते कुछ, आई डोंट वांट टू मिस, क्योंकि हर बार दूसरा अगर हमने मिस किया तो इस बार नहीं। मिलते हैं। बॉयज हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ कोलम पे। अब यहाँ से आगे टिकट्स आएंगे जहाँ पे गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है व्हीकल, पे पार्किंग आगे लिखा हुआ है तो वहीं से हम लोगों को लेना है। और टोल चार्ज करेंगे पर हेड 500 बोलो ना, 500 जितना चार्ज करेंगे। यहाँ से 30-45 मिनट्स का रास्ता है, फिर वहाँ पहुँच के देखते हैं कैसा नज़ारा होगा कैसा नहीं। पहली बार जा रहा हूँ क्योंकि इतनी बार जब भी हम आए मैंने हर बार मिस किया है, क्योंकि हम या तो टाइम मैनेज नहीं कर पाए कैसे भी करके, बट इस बार होप सो हम ये जगह पहुँच गए, वैसे पहुँच ही गए फाइनली, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ जाके मिलते हैं, अभी टैक्सी वगैरह हम बुक करेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे। तो गाइज हम लोगों ने हमारी कैब बुक कर ली है, 4K जितना पड़ा, उन लोगों ने बोला 500 पर पर्सन, 2K में हो जाता बट इफ़ वी गो फॉर शेयरिंग व्हीकल, बट शेयरिंग व्हीकल मैंने सोचा फिर कोई फैमिली आए ना आए तब तक के लिए हम लोग कहाँ किस लोगों को वेट कैसे करेंगे, तो उससे अच्छा मैंने सोचा फटाफट निकल लेते, यहाँ से जल्दी निकलने के बाद कहीं और भी घूमने चले जाएंगे। तो फिर हमने पर्सनल व्हीकल कर ली और लाइफ जैकेट वगैरह भी लेने पड़ेंगे और अंदर की एंट्री फीस की टिकट भी। तो वहाँ जाते हैं, दिस इज़ अवर व्हीकल, ये है अपनी व्हीकल और यहाँ ये लोग सारे सेट हो रहे हैं। तो यप इसमें हम जाने वाले हैं और निकल ही रहे हैं बस 5 मिनट के अंदर, जैसे निकलते हैं वहाँ से पहुँच के फिर विल कैच यू हियर। ये आ गया मेरा लाइफ जैकेट, पहनते हैं बैठते हैं, अंदर बैठ के मैं आपको बैग के ऊपर आगे बताता हूँ क्या कर। मैं मेरा गिर गया लाइफ जैकेट, बाय बाय। सो गाइस हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाइस कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? ऐसा लग रहा है कि मेरे दोनों के साथ हाथी बैठा है, डब गया बेचारा पूरा का पूरा, पीछे अपना हाथी एक ही ओए अटले तले हाथी बैठा था। रास्ता काफी संगीन है बट नजारे खूबसूरत। हमारे राउडी भैया को यहाँ पे ड्राइविंग करनी थी। हाँ नहीं मतलब नहीं करनी थी, वैसे करनी थी बट वो अच्छी व्हीकल होती तो बट ऑब्वियसली करता भाई, क्यों छोड़ता फिर मैं अपनी व्हीकल लेके जाता। हाँ अगर थार होती तो थार जाती है ना भैया, यहाँ से थार नहीं जाती, बोलेरो डब्ल्यू एल नंबर वाला गाड़ी जाएगा, मतलब गवर्नमेंट व्हीकल लेना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा समझ गया, मोनोपोली हो रखी है जी वो भयंकर, समझ रहे हो गाइस। डब्ल्यू एल लिखा हुआ था जिन जिन व्हीकल पे, वही व्हीकल अलॉटेड है अंदर जाने के लिए, क्योंकि रिस्की रास्ता है काफी। अब मैं तुम्हें मेरी शक्ल ना दिखा के अगर रास्ता दिखाऊ तो वे बेटर, आई विल डू अ वॉइस ओवर, क्योंकि रास्ता दिखाने लायक है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे एक अच्छी ब्यूटी हुई और एक और चीज़ है, अगर दूसरा अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो यू नीड टू कैरी कैश, क्योंकि यहाँ पे कोई गूगल पे या इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है, तो कैश कैरी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा जो महंगा कैमरा है उसकी हमें फीस देनी पड़ी, और प्लस जितनी हम वाटर बॉटल्स वगैरह लेके जाते हैं उसकी गिनती देनी पड़ती है, और जितनी वाटर बॉटल लेके गए वो वाटर बॉटल खाली हो या भरी हुई उसे एम्प्टी वापस लेके आना भी कंपलसरी है, वरना उसके कुछ अलग चार्जेस या कुछ फाइन होगा, क्योंकि मतलब अगर तुम लोग वापस लेके नहीं आए तो अंदर
इधर तो डस्टबिन वगैरह है नहीं, तो तुमने कहीं ना कहीं वो चीज़ फेंकी है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, नाइस इनिशिएशन फॉर यू नो कि लोग ज्यादा खराब ना करें वाइल्ड लाइफ को, तो ये अच्छी चीज है। बट आराम से अगर समझ लो कि इफ यू गाइस आर फोर पीपल तो पर पर्सन इट विल बी 875 नहीं 1200-1100 हो जाएगा, क्योंकि देख अंदर की टिकट्स हो गई, अगर तुम्हारे पास कैमरा है उसका फीस हो गया, और फिर कैमरा वाले का हम क्यों, हाँ तो कैमरा वाला जी का, हाँ तो कैमरा के पैसे मैं दूंगा, बट जैसे यूट्यूब का पेमेंट आ जाता है रावण तब मैं तुझे दे दूंगा अगर पेमेंट आ जाता है तो मैं तेरे को पैसा दे देगा, बराबर डील डन, वो वाला डील करेंगे अपन अक्षय कुमार वाला, ये तेरा ये मेरा ये तेरा, और हम भालू के बीच में फंस चुके हैं। कैसी बातें कर रहे हो, अच्छा एटम को तोड़ रहे हो, तोड़ो बड़ा भालू, बिग भालू, तो गाइस भालू बोल दिया गाइस, यहाँ एटम को हमारा टाइटल नेम दे दिया गया है, और एटम इज द न्यूएस्ट भालू। पार्किंग नहीं बट पार्किंग के से लाइक 600 मीटर जितना दूर है, और यहाँ पे ट्रैफिक है जंगल के अंदर भी, तो वहाँ से हम चल के जा रहे हैं 600 मीटर जितना, और लाइफ जैकेट पहनना कंपलसरी, इफ अगर आगे जाके वाटरफॉल के अंदर जाना हो तो मैं 40 फीट डीप है पानी, तो बेटर लेते हैं हम कोई जाने तो नहीं वाले पानी में, क्योंकि फिर पानी में जाना कपड़े वगैरह फिर कैरी करना, इतना लगेज वगैरह हमें कैरी करना नहीं था। सो या ये है हमारा रास्ता, और यहाँ आ रहे हैं सारे पीछे की तरफ, दिस इज द वे जहाँ हमें जाना है, सारे और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो चल के आ रहे हैं, सामने से लगातार गाड़ियाँ आती जा रही है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो उसी की वजह से लाइन लगी हुई बाहर, जैसे ही वो वाली गाड़ियाँ रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे और गाड़ियाँ घुस जाएगी, तो यप हम वहाँ पहुँच के आपको बता दें आगे क्या होता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, और एज दिस इज़ अ टूरिस्ट प्लेस, और ये जो मंथ है फॉर 4-5 तारीख के बाद ना यहाँ पे लाइक सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और अगर आपको देखना है तो ये है नज़ारा, क्या लगता है मस्त जगह है, ध्यान से चलना पड़ेगा बस, वरना कहीं भी तुम्हारी गाड़ी हो सकती है। ये बटरफ्लाई से भी सेक्सी रास्ता है भाई, सो दिस इज़ द रास्ता, इट्स योर बॉय एंटी गोइंग फर्दर एंड फर्दर, ए धीरे चल रहे भाई, मस्त है ना आंटी, बैठा पापा ढूंढते हैं जगह, बहु है उनको, हाँ वो अच्छी थी बटरफ्लाई बीच वॉज गुड, बट ये जगह तो बहुत ही ज्यादा सेक्सी है, ऐसा लग रहा है गोवा के अंदर मनाली आ गए और यहाँ पे आता है छोटू सा बाईपास करने के लिए ब्रिज, जो कि हम चल रहे हैं, आप लोग देख सकते होंगे, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हो रखा है जी, बट मैं मेरी लाइफ के अंदर पहली बार ऐसी कोई जगह पे आया हूँ जहाँ पे लाइक इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, लोग सोच रहे हैं कौन है ये चोमू ब्लॉग कर रहा है मेरे को लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे एक इंसानी दुनिया के अंदर कोई जीव जंतु घुस आया हो, अलग लुक दे रहे हैं ना जो लोग ब्लॉग करते हैं उसको, तो लोग ऐसे देखते हुए था कैसे जान छीन ली, हाँ जैसे कि उन्हीं का फोटो खींचने के लिए मैं आया हूँ, यू नो लाइक अ स्पाई कैम बेटा बेटा ये लो 100 रुपए फोटो खींच दो जरा हाँ बे अच्छा हो अब तक किसी ने ऐसा बोला नहीं है, क्या मजा आएगा भाई, बोलना चाहिए किसी को, क्या बोलना चाहिए भाई, पकड़ के पेल दो क्या, इधर 3.5 लाख रुपए तुम्हारे लिए खर्च किया हमने, ओह सो हम यहाँ पहुँच गए, लुक एट दिस ब्यूटी बॉयज, और ये भी देख सकते हो यहाँ पे क्या रहा है, छोटू सा लेक, बट दिस वन इज टू गुड, जहाँ पे मैं और अधीरा भी खड़े हुए, अधीरा बेटे पापा बोलो यार कैसा लग रहा है, अच्छा है, ज्यादा सुकून वाला और प्यारा, बहुत ऊपर से जगह है यार, कितना ऊपर है ये, 310 मीटर जितना कुछ दूर है, और मैं अगर आपको दिखाऊँ तो लुक एट दिस ब्यूटी, और ये ऊपर वाला जो ट्रेन टैक दिख रहा है जो अपने इंडियन मूवीज में आते हैं सारे बॉलीवुड पे, शायद चेन्नई एक्सप्रेस में ये दिखाओ, आई हैव नो आइडिया बट शायद मैंने देखा है ऐसा ही, तो एक ये जगह है, और ये सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल है अपने इंडिया में जहाँ तक मैंने गूगल किया था, बाकी अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख के, बट देखो यार कितना ऊपर तक है, बहुत प्यारा लग रहा है, आगे जाना है ना और चलते हैं और आगे, अरे यार बंदर तुम ऑलरेडी करते करते यहाँ कहाँ से आ गए, और ये अरे लड़ाई हो गई, ये तेरी बहन का बंदर लड़ रहा था गाइस प्रधान के साथ, स्ट्रगल तो है यार काफी ज्यादा स्ट्रगल है, कहाँ जाना है वहाँ आगे तक जाना है, ऊपर जाना है वो ट्रेन के, वो पागल वागल है क्या, वहाँ पे जा सकते हैं, बोल रहे हैं वहाँ तक जाना है, नहीं जा सकते, जाता है ज्यादा चलना है बहुत, नहीं फिर नहीं जाना, वहाँ तक जाना है, ओके
मतलब ये जो आगे दिख रहा है वो शैलो पार्ट, ऊपर तो कहीं नहीं जा सकते ना। नहीं। वो बच्चा है हमारे साथ, उसको थोड़ा इग्नोर करो। हाँ ना, अंकल ने बोला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बच्चा। एंटी तेरी इज्जत ना हम करते हैं ना बाहर वाले करते हैं, इस हिसाब से तू सुसाइड क्यों नहीं कर लेता, आत्महत्या। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी गाइस आप लोगों को और मसाला और व्लॉग के कंटेंट के लिए मैं सोच रहा हूँ मैं कैमरे को रख के एटम को यहाँ खड़ा रखता हूँ, क्योंकि एटम तो वहाँ तक नहीं जा पाएगा। जा पाएगा? देखो गाइस उदास हो गई ये मौसी हमारी, जा रहा है तो फिर हम कैमरा लेके ही चल रहे हैं। दो मिनट के लिए ऐसा लग रहा है कि हम बैर ग्रिल के दोस्त हैं। ये देखो वहाँ पे, सो यही मसाला था गाइस आपके लिए, रिपोर्टर राव जी के साथ बने रहिए। हम हमारी गाफ कहीं टिका के आराम करके फिर मिलते हैं ब्लॉग में। अभी थोड़ा हो गया है ना हमारा, बहुत हैवी कैमरा है भाई, कैमरे को एडिटिंग वाइटिंग करवा के थोड़ा लाइट वेट कराएंगे नेक्स्ट ट्रिप में। बॉयज मिलते हैं। हमने कैमरा रख दिया है और हम सोच रहे हैं वहाँ एंटी जिप करके आगे पहुँचा ही, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हम लोग वहाँ जाए और ये वाला व्यू तुम्हें भी दिखाएं। और वो बंदर हमारा भाई हमारे साथ आते हुए, यू नो बंदर इज लाइक टूर गाइड ऑफ अस। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए, ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम ना पाए। हमने सोचा था उससे तो बहुत ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पे, पर ठीक है, नज़ारा काफ़ी प्यारा है, बर्फीट है यहाँ पे आना और बेस्ट प्लेस है मेरे हिसाब से। बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी, ग्रीनरी अभी तुम्हें जितनी दिख रही है यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा, पूरा जंगल खिल उठता है ना बारिश के टाइम पे, लीव्स क्या बोलते हैं रिस्पॉन हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रिप होती है यहाँ पे ख़त्म, हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पे, अब यहाँ से घर जा रहे हैं। मेरी और अनिरुद्ध की फ्लाइट साथ में, बट एंटी और उन दोनों की एक घंटा हमसे लेट है, तो अब मिलते हैं घर जाके, बाय। तो गाइस यहाँ पे दो बच्चे जा रहे हैं मुंबई की तरफ और यहाँ मैं और अनिरुद्ध हम लोग वेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे जहाँ बैगेज ड्रॉप होता है वहाँ पे तो कोई खड़ा ही नहीं है, तो वेट कर रहे हैं अब क्योंकि थोड़ा जल्दी आए हम लोग, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह भी होता है, फिर टैक्सी मिलना ना मिलना। हम लोगों ने जो गाड़ी रेंट की थी हम वही लेके यहाँ आ गए और रेंट वाले को भी साथ में लेके आए, मतलब छोड़ दे भाई अच्छी खासी रेंट छोड़ी है तेरी गाड़ी में। अब यहाँ से हम बोर्ड करेंगे, टेक ऑफ करेंगे, लैंड करेंगे और घर जाके फिर मिलते हैं, बाय। गाइस से वापिस आ गए, कुछ नहीं हुआ गया उधर तुम्हारा, कितना 745 बोला, तेरी गंदी शक्ल छुपा भी, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वैसे ही बीमारी, वैसे ही तू बीमारी जैसा नजर आता है। मैंने पहना हुआ था, अब भी वीडियो व्लॉग कर रहा हूँ यार, व्लॉग करने के टाइम पे मेरे को निकालना पड़ता है, व्लॉग करने के टाइम पे लोग मास्क पहनते हैं यार, सेक्सी शक्ल छी, और यहाँ तुम्हारी शक्ल देखो, ओए होए तेरी बीमारी जैसी शक्ल पे कपड़ा मार चल। इनकी तो हमारे से भी एक घंटे लेट है फ्लाइट। छोटे बच्चों, तुम दोनों की वीडियोस मेरे पास पड़ी है, अगर ज्यादा बजे मुझसे, इन दोनों की वीडियो पड़ी है हमारे पास गलत वाली है, अगर ये ज्यादा बजे तो लाइव स्ट्रीम पे मिलते गाइस, पीस ऑफ। मेरे ढोल जुदाई।